सस्टेन्ड इंटरफेरेंस वो इंटरफेरेंस है जिसमें डार्क फ्रिंज आपको कंप्लीटली डार्क नजर आएगी और ब्राइट आपको कंप्लीटली ब्राइट नजर आएगी। और ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब एम्पलीट्यूड दोनों वेव्स का एग्जैक्टली सेम होगा, तभी तो क्रेस्ट पूरी तरह ट्रफ को क्या कर पाएगा, कैंसल, राइट। तो अगर एम्पलीट्यूड सेम होगा ए एंड ए तो कैंसलेशन हो जाएगी। तो इसलिए जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस फाई। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस में ए और बी की वैल्यू बराबर क्या हो जाती है, एकदम बराबर हो जाती है। तो हर जगह ए ए ए पुट कर दो ताकि एम्पलीट्यूड कैंसिल हो सके इसका रिजल्टेंट का, तो ये क्या बनेगा, टू ए स्क्वायर, टू ए स्क्वायर कॉमन आ गया, वन प्लस कॉस फाइव मैथ्स में क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, फोर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू। इस फॉर्मूले को यूज करने का ट्रिक है, वो ट्रिक समझ लो। ट्रिक ये है मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन चेंज होके आएंगे, आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला अगर निकालना है तो पहला फॉर्मूला हमने ये किया ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस फाइव। अगर आपको ये यूज करना है आप बिल्कुल यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला यूज करना है आई वन आई टू टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हो। अगर ए और बी बराबर है तो रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी है उसमें सिंपली ये भी कर सकते हो, हर जगह ए ए पुट कर दो आंसर आ जाएगा, या फिर जो अभी मैंने किया फोर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू, ऐसा भी कर सकते हो, इससे आपकी कैलकुलेशन बचती है। और ज्यादातर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ऐसे ही करते हैं, फोर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू, क्लियर है। तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, बस इसमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, क्लियर है यहां तक, ठीक, ये भी क्लियर है। अब आगे देखो, अब इसमें हमने जो फॉर्मूला किया वो क्या किया, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज फोर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू। ये मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मेरे पास दो स्लिट्स हैं और स्क्रीन है, एक वेव है दूसरी वेव है, तो इसका एम्पलीट्यूड मैंने इसके अंदर क्या लिया ए, और इसका एम्पलीट्यूड भी मैंने क्या लिया ए, तो ये फॉर्मूला बना, सही है, राइट। अब एक बात बताओ कि इसका एम्पलीट्यूड अगर ए है और इसका एम्पलीट्यूड अगर ए है तो इसकी जो इंटेंसिटी होगी आई, मान लो आई इंटेंसिटी है इसकी, चलो आई नॉट इंटेंसिटी है, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, तो इसकी इंटेंसिटी भी एग्जैक्टली आई नॉट ही होगी। तो इंटेंसिटी ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ऐसी इंटेंसिटी ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ऐसी होता है ना। तो यहां पर ए स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, आई नॉट, सही है, ए स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आई नॉट, वेयर आई नॉट इज इंटेंसिटी ऑफ ईच वेव। तो आपकी बुक्स ऐसा भी कर सकती हैं, यहां पर क्या पुट करेंगी, फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू, वेयर आई नॉट इज इंटेंसिटी ऑफ ईच वेव, वेयर आई नॉट इज इंटेंसिटी ऑफ ईच वेव, सही है ये भी। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर है ये, अच्छा। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बुक्स ये भी कह सकती हैं कि अगर एम्पलीट्यूड ए एंड ए है, ए एंड बी सेम है, ए एंड बी सेम है, तो उस केस में अगर ए और बी सेम है तो आर मैक्स की वैल्यू क्या आएगी, आर मैक्स क्या होता है, ए प्लस बी होता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होता है, ए प्लस बी, विद क्रेस्ट और ट्रफ आपस में ऐड हो गए। पर अगर ए और बी सेम है तो आर मैक्स क्या होगा, ए प्लस ए, कितना हो गया, टू ए, और आई मैक्स क्या होगा, आर मैक्स का स्क्वायर, यानी कि फोर ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, फोर ए स्क्वायर होगा। तो आपकी बुक्स मॉडिफाई कर सकती हैं, वो कहती हैं ये फॉर्मूले को मॉडिफाई करके लिखेंगे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज फोर ए स्क्वायर की जगह स्ट्रेट अवे क्या पुट कर देंगी, आई मैक्स इन टू कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू, कोई डाउट इसमें, तो अब पता नहीं यार मेरिकल क्या आएगा, आपको आई मैक्स गिवन होगा तो आई मैक्स वाला फॉर्मूला,
एम्पलीट्यूड गिवन होगा तो 4a² वाला फॉर्मूला, हर वेव की इंटेंसिटी आई नॉट गिवन होगी 4i0 वाला फॉर्मूला। इसको याद तो कर नहीं सकते आप, मेरे हिसाब से जो मैंने याद किया हुआ है मैंने ये याद किया हुआ है। अब क्वेश्चन में अगर कुछ वेरिएशन आती है मैं उसके हिसाब से फॉर्मूला बना लेता हूँ साइड पे और उस फॉर्मूले को यूज़ कर लेता हूँ। अब तीन फॉर्मूला कैसे याद कर सकते हो, कर सकते हो तो कर लो, प्रॉब्लम नहीं है, पर कैसे यूज़ करना है समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्या इसकी एप्लीकेशन है?